नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पुरानी हवेली। इस डिस्कशन में हम आज आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा हवेलियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं और कौन कौन से स्थानों पर ये हवेलियाँ पाई जाती हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपरिहार्य है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में काम आएंगे। सबसे पहले इस पत्र में आती है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली जो है जैसलमेर में स्थित है। इसमें आमुख से ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने पर पहली मंजिल के बीच में नाव और हाथी के होदे के आकार के गवाक्ष बने हुए हैं। दूसरी मंजिल पर जब हम जाएंगे तो वहाँ आयताकार आधार पर मेहराबदार छज्जे हैं। तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे हैं और सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ के आकार के झरोखे हैं। आयताकार जाली झरोखों का काम इनमें किया गया है। पटवों की हवेली में सिंध, भारत, मुगल और यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तत्पश्चात आती है सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। इसकी ऊपरी मंजिल को मोती महल या जहाज महल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है ये। दीवान सालम सिंह जी ने 9 खंडा महल बनवाया था। इस हवेली के 7 खंड पत्थर के तथा ऊपरी 2 खंड कास्ट के थे, जो रंग महल और शीश महल के नाम से विख्यात थे। कालांतर में वे दोनों कास्ट खंड उतार दिए गए। फिर भी यह हवेली जैसलमेर में सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। नथमल की हवेली, यह भी जैसलमेर में स्थित है। 1881 से 1885 के मध्य इस हवेली का निर्माण कार्य हाथी व लालू नामक 2 सगे भाइयों द्वारा किया गया था। बीकानेर में बच्छावतों की हवेली लाल पत्थर से निर्मित है और बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां जो हैं वो सभी लाल पत्थर की बनी हुई हैं। जोधपुर में बड़े मियां की हवेली, पोखरण की हवेली, पाल हवेली और राखी हवेली स्थित हैं। टोंक में जो है वह सुनहरी कोठी के नाम से जानी जाती है। कोटा में बड़े देवता की हवेली, उदयपुर में बागोर हवेली। इसके निकट पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। झुंझुनू में तिबड़ेवाला की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली, जिसमें शताधिक खिड़कियां हैं, इसी कारण से यह प्रसिद्ध है। नवलगढ़ जिले में यह झुंझुनू जिले का शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियों में पौदार और भगेरियों की हवेली और भगतों की हवेली प्रसिद्ध हैं। बिसाऊ झुंझुनू भी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केड़िया की प्राचीन हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली। मंडावा में आपको सभी को पता है, जैसा कि फिल्मों की शूटिंग्स भी होती हैं, यहाँ पर मंडावा में पीके फिल्म की शूटिंग हुई है। सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ। मंडावा में भाईजान मूवी जो है उसकी भी, बजरंगी भाईजान मूवी है, इसकी भी शूटिंग हुई है। महेंसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली और श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली स्थित हैं। लक्ष्मणगढ़ सीकर में केड़िया और राठी की हवेली प्रसिद्ध हैं। चूरू में सुराणों के हवा महल, रामविलास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की मोटी हवेली फेमस हैं।